चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक 2019 के बारे में। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग बात कर चुके थे संधि और समझौतों के बारे में, ठीक है। अब इसमें बात करने वाले हैं संघ एवं संगठनों के बारे में। याद रखिए, जितने भी लेक्चर अभी तक खत्म कर चुके हैं वो सभी प्लेलिस्ट सूची में समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं, ठीक। चलिए तो संघ संगठनों को देखते हैं। बॉर्न ग्रुप का अधिग्रहण भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड द्वारा न्यूयॉर्क स्थित मीडिया आउटसोर्सिंग फर्म बॉर्न कंपनी का अधिग्रहण किया गया। फिर बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को देश में नियमित सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुमति प्रदान दी है। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, डाक विभाग द्वारा इस बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह ग्राहकों को छोटे कर्ज प्रदान करेगा। फिर बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की संघाई शाखा SBI संघाई चीन की राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली से संबद्ध होने वाला पहला भारतीय बैंक बना। भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र भारतीय बैंक है जिसने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए लाइसेंस हासिल किया है। फिर अगला, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। फिर सिख फॉर जस्टिस, केंद्र सरकार द्वारा खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम 1967 की धारा 1 के तहत लगाया गया। अगला है CSO और NSSO का विलय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय पितिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर एक नई इकाई राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है। बात करते हैं ISIL खुरासन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकी समूह ISIL खुरासन पर प्रतिबंध लगाया है। अगला है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, केंद्र सरकार द्वारा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश प्रतिबंधित आतंकवादी आतंकी संगठन घोषित किया गया। फिर चोला मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी को TUB इंडिया द्वारा ISO 31,000/2018 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन कंपनी को अंतरराष्ट्रीय मानकों को अनुरूप जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए दिया गया है। ISO 31,000/2018 एक अंतरराष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन मानक है। फिर WHO ग्लोबल इन्फ्लुएंजा रणनीति, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2019 से 30 तक की अवधि के लिए वैश्विक इन्फ्लुएंजा रणनीति जारी की गई। उद्देश्य इन्फ्लुएंजा के खतरे से सभी देशों के लोगों को बचाना है। अगली है IEA बायो एनर्जी TCP का 25वां सदस्य, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 25 जनवरी 2019 को IEA बायो एनर्जी TCP का 25वां सदस्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस जानकारी से अवगत कराया गया। बात करते हैं नाटो का 30वां सदस्य, दक्षिणी यूरोप के मध्य वाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित उत्तरी मैसिडोनिया को नाटो का 30वां सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। फिर KLF पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने और हिंसा फैलाने तथा अन्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में
खालिस्तान लिबरेशन फोर्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, 26 दिसंबर 2018 को। तो ये थे हमारे कुछ संगठन जो चर्चा में रहे। बात करेंगे विधि और न्याय के बारे में, ठीक है।